जैसे लड़का देखे को जाओ और गांव वाले कह दें कि बहुत अच्छे मैया खाते पीते हैं, अगर कह दें कि बहुत अच्छे हैं खाते पीते हैं तो समझ लेना परिवार बढ़िया है। और अगर वो ही पड़ोसी आपसे कह दें कि बहुत बढ़िया है बस पीते खाते हैं, बात एक ही है, खाते पीते हैं तो बहुत बढ़िया, और उल्टा बोल दें कि पीते खाते हैं तो समझ लेना परिवार पीने वाला मिल गया। राधा कोप भवन में लेटी, नारद ने जवाब दो इनके लिए कोई लड़का ढूंढो। बोले अब लड़का कहां ढूंढे, नारद कान लगे नगर में छोरा और गांव में ढिंढोरा। अरे हमारे बाबा नंद को लड़का है ना कृष्ण, बा के लिए शादी कर दे। तो हाँ बोले ठीक है, बात तो सही कही। तो आज वृषभान जी ने परीक्षित 101 परांते ली और सब परांतों में 100 परांतों में तो सामान था और जो एक परात थी उसमें हीरे मोती जवाहरात भर दिए। जब भगवान कन्हैया के दरवाजे पे परांते पहुंची तो भगवान ने सबको खोलो, सब खोल जा रहे, अंत में जो हीरा भरे हैं हीरा वाली परात प्रभु ने खोली तो बमे से एक मुट्ठी हीरा भरे और पीछे फेंक दिए। बाबा नंद बोले कन्हैया हाँ बाबा, जामे से तुमने एक मुट्ठी हीरा उठाए? भगवान बोले हाँ उठाए हैं। बाबा नंद बोले चोर तो आज मानेगो, वैसे तो जो चोरी करे तो कबू न माने और आज तो जो ऐसे ही मानेगो कि हाँ मने उठाए, तो भाई हीरा गाय। बोले बाबा हमने भी हीरा महल के पीछे फेंक दे, अबे लो तो पेड़ आएंगे बबे गुच्छे वो बने गए होंगे। चलो तो भगवान जब बाबा को लेके पीछे पहुंचे महल के तो वहां बड़े बड़े से पेड़ लगे हुए हीरों के, उस पे गुच्छे लटक रहे हैं। इधर से सगुन गया तो उतते तो सामान आओ तो भरे के परीक्षित, लेकिन इतने 101 परातों में भगवान ने हीरे जवाहरात भर दिए। 101 पराते फुल हीरे जवाहरातों से भरी, जो राधा ने देखो समझ गई कि जी हमारे जलाए वे गले भेजे काए, हमने कह दई ना 9 लाख हार वे जो टूट जावे वो तो कीमत ना चुकाए पे, और हमने एक परात भेजी थी हिरन की हमारे बाबा ने, और देखो कृष्ण ने 101 परात हीरे मोतियों की भेज दी। अब हमें मालूम पड़ गई कि कृष्ण हमें चढ़ाने में आगे हैं, बड़ी व्याकुल हैं। तो महाराज आज अब तो भोजन पानी तो पी रही हूँ, पानी बंद कर दो पी वो, अब कोई मतलब ना है कछु खाए वो पी वो ना है। भगवान को पता चलो कि राधा कछु खाए पी ना रही है तो सोच लगे राधा को मनाए हुए गले जाने चाहिए। विचार करो कि अगर ऐसे जाएंगे तो समझ जाएगी कि देखो थोड़ी सी खबर मिली नहीं कि भक्त से दौड़ के आ गए कि राधा की तबीयत कैसी है, थोड़ी सी खबर मिली नहीं कि आ गए मनाने के लिए। तो भगवान ने एक रूप धारण करो, कौन सो राधा को मनाए हुए कहलाए, सभी लोग बोलेंगे प्रेम से ताली बजा के कि मनहारी का वेश बनाया श्याम।